हाय एवरीवन, दिस इज़ मयंक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो में मैं जाने वाला हूँ चांदनी चौक। मेरे को कुछ गोप्रो की एक्सेसरीज लेनी है। वैसे तो अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल हैं, बट फिर भी एक बार ट्राई करना था कि क्या मार्केट में प्राइस में डिफरेंस आता है। कुछ चीज़ें मैंने ली थी लास्ट टाइम जो बहुत चीप रेट में यहाँ पर पड़ गई थी, और मेन रीज़न ये है कि ये अर्चना एकमेंट हमारी पतिश्री, एक्चुअल में ये गोप्रो का माइक अडेप्टर है। अगर आपने लद्दाख का ब्लॉग देखा होगा तो पूरा बकवास हो गया इसके चक्कर में। एक्चुअल में ये जो इसका जो वायर है ना, ये मोड़ते हो आप ट्विस्ट करते हो, क्योंकि आप इसे कैसे लगाओगे, ऑब्वियसली बात है यूलानजी का क्लेस लोगे तो ये क्या होता है मोड़ जाता है। इसकी वजह से फिर मेरे को गोप्रो का जो मीडिया मोड है सोच रहा हूँ वो लेने की। अभी जाते हैं एक बार, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, एक बार थोड़ा और उनसे आइडिया ले लेते हैं। वैसे मेरा मन है मीडिया मोड लेने का, और कुछ गोप्रो की एक्सेसरीज भी लेनी, माइक वगैरह लेना है। तो चलिए चलते हैं सीधे चांदनी चौक। अपनी बाइक को मैं वहीं पे घर पे ही छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। ऐसे बाइक को लगा देते हैं कि ऊपर एक चढ़ा देते हैं तो सेफ नहीं है बिल्कुल भी। जब आते हर बार बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी भीड़ है आज, और ऊपर से धूप इतनी तेज हो रही है। अभी ऊपर वाले ने सुन ली तुम्हारी, छाया हो गई। मार्केट में एक तरह सेंटर हो गए हैं, तो यहाँ पे जब ट्रैफिक जाम लगता है तो बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लगता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं कैमरा मार्केट, जो हमारे पीछे देख रहे हो कैमरा मार्केट है पूरा। तो ये सामने आपको लाल किला दिख रहा है, और इससे सीधे अगर आएंगे सामने SBI का बैंक है ये बहुत बड़ा वाला, और उसके ठीक सामने में ये जो बिल्डिंग है ये कैमरा मार्केट है पूरा। तो ये आपको दिख रहा होगा फोटो मार्केट, फोटो ट्रेडर्स एसोसिएशन। ये ठीक है, इससे सामने में गली जा रही है, इसके अंदर ही आपको जाना है, और इसके अंदर पूरा कैमरा मार्केट है। तो ये अंदर पूरा मार्केट जो है पूरा कैमरा मार्केट है, और आपको सारी एक्सेसरीज यहाँ से मिल जाएंगी। तो यहाँ पे एक दुकान है, ये आपको दिख रही होगी, यहाँ पे US फोटो सेंटर। यहाँ पे GoPro के एक्सेसरीज वगैरह मेरे को मिल गए हैं, और प्राइस रीजनेबल है, ऑनलाइन से तो बहुत सस्ता है। और मैं आपको जो एड्रेस है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से परचेस कर लेना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वरुण फोटो स्टोर सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ से लेंगे GoPro का मीडिया मॉड, मिल जाए तो, क्योंकि कभी कभी होता है नहीं मिलता इनके पास भी। तो हम लोगों ने एक्सेसरीज ले ली हैं, घर पे जाके मैं एक बार को बता दूंगा कि शॉप नंबर किसे लिया है, क्योंकि हर कोई अलाउड नहीं करता है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या आते हैं डिटेल ले लेते हैं फिर फ़ोन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं सीधे एड्रेस बता दूंगा, घर पे जाके चेक करेंगे कि कितना क्या प्राइस कंपेयर करेंगे एक बार अमेज़ॉन से कि कितना में सस्ता पड़ा, इंक्लूडिंग जो आना जाना हो गया और पार्किंग चार्ज रिक्शे का मिला के। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है वर्थ है, काफ़ी वर्थ लगा मेरे को, काफ़ी प्राइस में डिफरेंस है। हाय, तो आई एम बैक टू माई प्लेस, और मैं वहाँ से सामान लेके आ गया हूँ, और जो मैंने सामान परचेज किया है वो है GoPro का मीडिया मॉड, जो बहुत ज़रूरी था मेरे को, क्योंकि लास्ट में जो अगर आपने लद्दाख का ब्लॉग देखा होगा तो ये मैं यूज़ कर रहा था, इसने मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो सारे बिगाड़ दिए, बिकॉज ये एक तरह से फील्ड डिज़ाइन है, इसका मेरे को डिज़ाइन एर्गोनॉमिक समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। आप इसको कैसे लगाओगे, क्योंकि इतना आपने अगर Insta360 और अगर DJI के अगर आपने माइक अडेप्टर देखे होंगे तो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ के हैं, और उनमें भी सेम है, मतलब 3.5 आउटपुट है प्लस ये USB आउटपुट है, और ये वाला इतना बड़ा है कि आपको इसके लिए यूलानजी का केस लगाना पड़ता है, जिसके लिए आपको वायर ऐसे ही ऐसे घुमाना पड़ता है। तो एक टाइम के बाद ये जो डिज़ाइन है ये गिवअप कर देगा, एंड ये पूरा बेकार है एक तरीके से। अब ये वाला जो है ये डिज़ाइन स्पेसिफिक है, इसके साथ मेरे को हेलमेट माउंट मिल गया, प्लस एक स्क्रू मिल गया इसी के साथ में, और ये 8 के लिए डिज़ाइन स्पेसिफिक है। इसमें एक्सटर्नल माइक भी दे रखा है आगे की तरफ है और पीछे की तरफ भी है, एंड कोल्ड शू माउंट के दो दे रखे हैं यहाँ पे यहाँ पे। एंड इसमें अच्छी बात ये है कि आप इसमें LCD भी लगा सकते हो अगर आप चाहते हो तो आप व्लॉग करने के लिए आपके लिए बेटर रहेगा, और इसमें Type-C और एक्सटर्नल माइक भी इसमें लगा सकते हो। तो एक तरीके से मैं कहूँ कि ये वाला जो डिज़ाइन है ये ज़्यादा बेटर है, मेरे ख्याल से ज़्यादा सेफ़ रहेगा। बट इसका एक ही डाउनसाइड मेरे को यही लगा कि आप इसको बरसात में यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं रहेगा, उसके लिए आपको ये मीडिया बोर्ड निकाल के GoPro का जो ओरिजिनल जो डोर हाउसिंग है वो आपको लगानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ मैंने परचेज़ करी GoPro Hero 8 की बैटरी, लास्ट टाइम मैंने ये
ऑनलाइन मंगाई थी तो मेरे को 1800 की पड़ी थी, यहाँ पे मेरे को 1600 की पड़ गई है। ये जो मीडिया मॉड था ये ऑनलाइन करीब 6400 का दिखा रहा था, यहाँ पे मेरे को 5600 का पड़ गया। तीसरी चीज़ जो मैंने ली है वो है ये TRRS टू TRS माइक अडेप्टर। ये तीनों चीज़ें जो है मैंने मीडिया मॉड और ये वरुण फोटो स्टोर से लिया है। अगर आप गूगल करोगे वरुण फोटो स्टोर तो आपको आराम से पूरा एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, बट स्टिल मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में एड्रेस वगैरह दे दूंगा। मोबाइल नंबर नहीं डालूंगा क्योंकि बहुत से लोग परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं, प्राइस टैली करते हैं कि ऑनलाइन कितना है और वहाँ पे कितना है, तो लोग एक्चुअल प्राइस नहीं बताते हैं। एक्चुअल प्राइस वहीं दुकान पे जाके ही पता चलती है कितना कम है कितना ज़्यादा है, तो मेरा जाना वर्थ रहा एक तरीके से। एक और चीज़ मैंने ली है वो है बोया का MM1 शॉर्ट गन माइक, जो मैं अभी लगा के टेस्ट कर रहा हूँ। आई होप आवाज़ अच्छी आ रही होगी। एंड ये कुछ क्लैम्प्स खरीदे मैंने, मतलब GoPro के क्लैम्प्स, ये जो मेरे पास थे कुछ टूट गए थे तो ये भी प्लास्टिक के ही हैं, तो ये कुछ एक्स्ट्रा ले लो ज़्यादा बेटर रहता है ऑनलाइन कुछ। ये एक पेयर मैंने 200-250 का दिखा रहा था, यहाँ पे मेरे को मैंने 300 में दो ले लिए इस तरीके के, प्लस इस तरह के दो स्क्रू ले लिए हैं, तो ये एक स्क्रू 50 रुपये का पड़ गया था मेरे को। तो ओवरऑल काफ़ी सेविंग हुई है, अगर मैं टोटल अगर मैं खर्चा लगाऊँ जो मेरे गाड़ी का आने जाने का पार्किंग का, और काफ़ी चीज़ों का आइडिया भी मिला है क्योंकि वहाँ पर कई सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिल के समझ में आ जाती हैं। और एक और चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी, अगर आपके पास DJI Mavic Mini है तो ये जो DJI का Mavic Mini है इसमें मैंने मोबाइल में भी लेटेस्ट अपडेट आया था, तो आप जो DJI का पुराना ऐप है जिसे 15 मीटर से ऊपर उड़ सकता था आप ये उड़ सकता था, तो वो ऐप अब कंपेटेबल नहीं रही है, तो अब इसके लिए मुझे थर्ड पार्टी ऐप पर रिलाई करना पड़ेगा लाइक रेनवे और लीची। अब उसमें डर ये है कि अगर ये कहीं अगर क्रैश कर गया या रेंज आउट मतलब रेंज अगर इसने छोड़ दिया तो सीधे क्रैश करेगा, तो दिस इज़ द ओनली इन्वेस्टमेंट विच हैज़ गॉन टू वेस्ट। तो बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो है इसको देखते हैं उड़ा के कैसे क्या बनेगा, क्योंकि लद्दाख में भी इसको ले जाना कोई मतलब नहीं था क्योंकि 15 मीटर से उड़ नहीं सकता था, तो आप क्या सिनेमेटिक्स बनाओगे। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि जब आपके ये ड्रोन जब इतना ऊपर जा सकता है तो फिर ये लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए थी, एटलीस्ट उसके उसके पोटेंशियल को ओपन कर देना चाहिए था। बट आई डोंट नो व्हाई ऐसा कोई सिक्योरिटी का रीज़न भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब आप ड्रोन उड़ाते हो तो GPS से कनेक्ट होता है तो सीधे पता चल जाता है कहाँ पर ड्रोन उड़ा है कहाँ पर नहीं उड़ा है। तो अगेन तो ये दो इन्वेस्टमेंट हैं, एक ये वाला इन्वेस्टमेंट और एक ये वाला इन्वेस्टमेंट जो एक तरीके से मेरे बेकार गए हैं। तो अगर आप YouTube चैनल भी अगर स्टार्ट करो तो एकदम जोश में आके परचेज मत करना क्योंकि ये होता है। तो दैट इज़ इट, आई होप आज की वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें सीखे समझने को मिली होंगी। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय समथिंग, अगर आप दिल्ली NCR से हो तो आप वहीं जाके चेकआउट करो एक बार, तो आपको कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, प्राइस भी समझ में आ जाएगा, एंड प्राइस डेफिनेटली ऑनलाइन से तो कम है ही। तो आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा, तो मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में, तब के लिए चैनल को सपोर्ट करो जरूर करें, लाइक करें और ताकि यूट्यूब की एल्गोरिथम बढ़े और मेरा चैनल पुश हो। एंड सी यू माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।